ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे माघ महीने की कृष्णा पक्ष की सकटेला एकादशी की व्रत कथा। इस साल 2024 में 6 फरवरी 2024 को सकटेला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का खास उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तिल का दान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के करने वालों को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। एकादशी व्रत में इस कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि व्रत कथा के बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। अरे भक्तगणों, श्री हरि की चरण कमलों का ध्यान करके कथा की शुरुआत करते हैं। कथा को पूरे श्रद्धा भाव से प्रसन्नचित मन से अवश्य सुने, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय दाल भव्य ऋषि ने पुरुषत्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुरुषत्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को बस में कर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या तथा देश आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तेल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए, उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए, तत्पश्चात पेठा नारियल सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भवन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्ध को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंड घरा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौर तिल पात्र देनी भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजार वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सटटीला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुरुषत्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुझसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटटीला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी, वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी।
तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्य धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के भेष में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मण के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्री आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उसने सटीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरी ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्री आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटीला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहा। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने सटीला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। दिवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सटीला एकादशी का व्रत किया, इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए, इससे दुर्भाग्य दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती। सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले कि हे कैलाशपति, मूल दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपके शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता और भोक्ता आप ही हैं। आप सर्व व्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें।
इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ पर है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर्नाक का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावटी नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, यश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूल सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीत डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे वहां तक आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। और हर एकादशी के दिन जो भी भक्त मेरी पूजा के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा और कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, उसके सारे दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी। सभी प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। दरअसल वज्र भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभदास। कुंभदास का एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभदास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और कोड़े नियम से भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने से वे कथा के लिए जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा।
उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। कुंभदास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर गए। जब बालक का रूप धारण कर भोजन करने आए श्री कृष्ण, रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे। हम सभी भोजन करते हैं, उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये हर्ष देख रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभदास जी ने लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ, उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस लौट कर आते तो वो प्रसाद मांगते। उन्हें एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी सारा भोजन खा लिए। कुंभदास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के भेष में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जर हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल की जय। बहुत समय पहले की बात है, बनारस के गांव में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा क्यों किया करते हैं? क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि अभी सेठ गहरी नींद में है, आप उसके सपने में जाए और उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगले ही क्षण सेठ जी को सपना आया। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोले, हे मनुष्य, मैं धन की देवी धात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। माता ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और बरसों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको भला कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। इतना कहते ही माँ लक्ष्मी सेठ के घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप को बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो? सेठ ने कहा, नहीं महोदय, आपको मैंने नहीं पहचाना। भेष रूपी लक्ष्मी माता ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं।
सेठ ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी आज उनकी बुराई कर रहे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके पुनः सेठ के सपने में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसा आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान का नाम का जाप करते करते उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरा जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी के उत्तर सुन सत्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वह यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगे? अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है, माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालयवनी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी की पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गए।
देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृंदावन भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गए। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर पकड़ किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धनुष। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इसी सारे लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बार तक कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वार पर बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना,
आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में ही गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल गई। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएगी, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए न निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए थे, उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सरियो ऐसा कारज सबका सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। हर व्रत की कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जी लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1,25,000,000,000 की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी परा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय
और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।